हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। नाउ दिस इज ए ग्लास स्लैब एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज स्मॉल टी। तो ग्लास स्लैब के किसी एक सरफेस पर आपका ये कोई लाइट रे आपकी क्या इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो मीडियम है वो मीडियम हो जाएगा आपका एयर, और जो ग्लास है उसका मीडियम हो जाएगा आपका ग्लास स्लैब का जो मीडियम है वो ग्लास हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका एयर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले जो आपकी इंसिडेंट रे है, आपकी ए बी आपकी इंसिडेंट रे है, तो जब ए बी आपकी एयर से आपकी क्या ग्लास में जब हमारी क्या पास होगी, ट्रेवल करेगी, तो ये क्या नॉर्मल की ओर हमारी क्या बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब रे जो रिफ्रैक्टेड रे है, जब हमारी क्या दूसरी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे पॉइंट सी पे जैसे इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्ट हो करके ये क्या नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी, क्योंकि अब जो आपकी रे है वो ग्लास से कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है, यानी डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में आ रही है, यानी रेयर मीडियम में आ रही है। तो यहाँ पर हमने इंसिडेंट एंगल आई डैश मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया आर डैश। ठीक है, ये हमने क्या है बी ई आपका एक नॉर्मल है, और यहाँ पे भी ये डॉटेड वाला ये हमारा क्या है एक नॉर्मल, हमने क्या है पॉइंट बी और पॉइंट सी पे हमने क्या है नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एट द पॉइंट बी पे जब हम देखेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए म्यू जी। ऐसे ही हमारा एट पॉइंट सी साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू जी म्यू ए। ठीक है, दोनों इक्वेशन का हमने क्या है मल्टीप्लाई कर दिया है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू वन हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका क्या है जी म्यू ए इक्वल टू होता है वन अपॉन ए म्यू जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो वन के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये जो लाइन है और ये दो लाइन है आपकी क्या है पैरेलल हैं दोनों। जब हमारी ये पैरेलल हैं तो एंगल जो आई डैश है वो आपका आर के क्या होगा इक्वल होगा, यानी ये अल्टरनेट एंगल है तो ये आपस में क्या रहेंगे इक्वल होंगे, तो हमारा क्या है आई डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका आर। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे हम क्या है आई डैश इक्वल टू आर रखेंगे तो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अब आपका साइन आई अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू वन, या साइन आई इक्वल टू साइन आर डैश, यानी आई इक्वल टू आर डैश, यानी ये जो एंगल है आपका इंसिडेंट एंगल और जो आपका इमरजेंट एंगल है आर डैश, इमरजेंट एंगल को हम स्मॉल ई से भी हम क्या डिनोट कर देते हैं, तो ये जो इमरजेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल हैं दोनों आपके क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे ए बी और जो आपकी इमरजेंट रे है आपकी सी एफ दोनों एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। अब देखिएगा इसमें लेते हैं हम इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, तो इन ट्राइंगल बी सी डी साइन आई माइनस आर, ये जो एंगल है आपका एंगल सी बी डी आपका कितना बचेगा आई माइनस आर। ठीक है, तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी सी डी अपॉन बी सी, सी डी को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया है, तो एक्स अपॉन बी सी, तो ये जो सी डी डिस्टेंस होती है ना ये डिस्टेंस आपकी बोली जाती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सी डी को हम क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सो दैट एक्स इक्वल टू बी सी साइन आई माइनस आर, ये इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया है। ऐसे ही हम लेंगे इन ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी, तो कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बी ई अपॉन बी सी, तो बी ई आपका टी के इक्वल हो जाएगा अपॉन बी सी, सो दैट बी सी इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। तो हम क्या यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या है इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो एक्स इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, तो ये हो जाएगा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो दैट वी नो दैट एक्स इक्वल टू टी
साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब हम क्या यहाँ पे इसका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, तो टी इंटू साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर, या फिर अब हम क्या है कॉस आर का अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो टी इंटू साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, और साइन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन आई अपॉन म्यू। तो यहाँ से हम कॉस आर की वैल्यू निकालेंगे, कॉस आर इक्वल टू अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वेयर आर, या अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वेयर आई अपॉन म्यू स्क्वेयर। हमने यहाँ पे साइन आर की वैल्यू क्या पुट कर दिया है, तो यहाँ म्यू स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा, तो अंडर रूट में म्यू स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर आई अपॉन म्यू स्क्वेयर, या अंडर रूट में आपका म्यू स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर आई अपॉन म्यू। अब हम क्या है यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है कॉस आर की वैल्यू क्या है फाइंड कर ली। इस कॉस आर की वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या है पुट कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई साइन आई अपॉन म्यू। यहाँ पे हमने साइन आर की वैल्यू पुट कर दिया अपॉन अंडर रूट में म्यू स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर आई अपॉन म्यू, तो म्यू से म्यू आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू बचा आपका टी साइन आई वन माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर आई, ये इक्वेशन हमारी सिक्स होगी। एक्स इंक्रीजेज यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज होगा, कब होगा जब टी इंक्रीजेज, ठीक है, टी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू भी आपकी क्या इंक्रीज होगी, या फिर हम आई एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करेंगे तो भी हमारी क्या है एक्स की वैल्यू हमारी क्या है इंक्रीज होगी, एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो भी आपकी क्या है म्यू की वैल्यू भी आपकी क्या इंक्रीज होगी। व्हेन आई इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन आई इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू जीरो, यदि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो डिग्री है तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा जीरो होगा। व्हेन आई इक्वल टू 90 डिग्री देन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें क्या है देखना है, तो यहाँ पे ये मीडियम है आपका डेंसर और ये आपका क्या मीडियम है रेयर मीडियम है। तो जब हमारी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से हमारी क्या दूर हट जाती है। तो हमने ये लाइट रे ले ली है आपकी, ये लाइट रे आपकी इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या है ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि इंसिडेंट एंगल को धीरे धीरे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो उस इंसिडेंट एंगल को हम बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही हम क्या है इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से हम क्या और इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी रे है उसी मीडियम में आपकी क्या है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये फिनोमेना आपका बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहले क्रिटिकल एंगल देख लेते हैं। द क्रिटिकल एंगल बिटवीन टू मीडिया इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। नाउ TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमेना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर इन टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द सेम मीडियम। नाउ कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तभी आपका क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल,
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल से क्या है ज़्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं आपकी TIR की, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन है। एक तो आपका जो लाइट रे है वो ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयर मीडियम में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या है मैक्सिमम होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। अब देखिए यहाँ पे हमने ये मान लिया था कि जो रेयर मीडियम है वो आपका 1 है और डेंसर मीडियम आपका 2 है, तो रे आपकी जा रही है डेंसर टू रेयर, सो दैट साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 2μ1 आई इक्वल टू सी एंड आर इक्वल टू 90। यानी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 90 डिग्री होता है, सो दैट साइन सी अपॉन साइन 90 इक्वल टू 2μ1 या साइन सी इक्वल टू 2μ1। अब हम यहाँ पे हम निकालें 1μ2, तो 1μ2 आपका हो जाएगा 1μ2 इक्वल टू 1 अपॉन 2μ1 यानी 1 अपॉन साइन सी। फॉर द वाटर द क्रिटिकल एंगल इज 48.75 डिग्री, फॉर द क्राउन ग्लास द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 41.14 डिग्री, फॉर द फ्लिंट ग्लास द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 37.31 डिग्री, फॉर द डायमंड द क्रिटिकल एंगल इज 24.5 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिराज। द साइटिंग ऑफ इन्वर्टेड इमेज जिज ऑन हॉट स्टिल समर डेज इज कॉल्ड मिराज एज इट गिव्स एन इल्यूशन ड्यू टू इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्रीज ETC स्पेशली इन डेजर्ट। तो हमें क्या है कभी कभी हम गर्मियों के दिनों में जब हम देखते हैं ना सड़कों पर क्या पानी महसूस होता है, देखते हैं तो हमें क्या पानी सा महसूस होता है, लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता। तो ये जो कंडीशन है आपकी यही आपका क्या बोला जाता है मिराज बोला जाता है, या फिर हमारा जो डेजर्ट होते हैं तो समर डेज में आपका क्या है कि हमें वहाँ पे पानी का क्या है आवास होता है, और जो वहाँ के आसपास के हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जो इमेज है वो आपकी क्या है इन्वर्टेड बनती है। तो ये फिनोमेना आपका बोला जाता है मिराज। द फिनोमेना इज एन अकाउंट ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट वेरियस लेयर ऑफ एयर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ म्यू। तो ये क्यों होता है देखिए, ये हमारी क्या यहाँ पे हमने ये लेयर मान ली अर्थ सरफेस मान लिया है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस यानी समर डेज में आपका क्या अर्थ की जो सरफेस होती है वो क्या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो गर्म हो जाती है तो इसके यानी अर्थ के पास की जो आपकी एयर है वो आपकी क्या हो जाती है हॉट हो जाती है। तो जब हमारी गैसेस हॉट होती हैं तो वो क्या है रेयर हो जाती हैं यानी वो ठीक है। अब थोड़े थोड़े हम क्या ऊपर की ओर जैसे ही अर्थ सरफेस से हम क्या ऊपर की ओर जाएंगे तो जो आपकी एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो आपका क्या डिक्रीज होता जाएगा। तो ऊपर आपकी क्या है जो लेयर्स जो होती हैं वो आपकी क्या है डेंसर होती जाती हैं, टेम्परेचर कम होगा तो लेयर आपकी क्या है डेंसर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या ये पेड़ हमने क्या मान लिया है और यहाँ से आपकी कोई लाइट रे आपकी क्या आ रही है, तो ये जो आप ये हमने क्या अलग अलग लेयर मान ली है कि ये लेयर आपकी क्या रेयर है और ये इससे थोड़ी कम रेयर है, ये उससे कम रेयर है, इससे कम रेयर है, ठीक है। यानी डेंस है ये हमारी डेंसर, ये उससे कम डेंसर, ये कम डेंसर और ये सबसे कम डेंसर है। तो यानी आपकी रे यहाँ पे हमने पहली लेयर मानी है, ये दूसरी तीसरी चौथी, तो यहाँ पे हमने क्या एक लाइट रे आपकी क्या इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट रे आपकी क्या है डेंसर से और से कहाँ आ रही है रेयर मीडियम में, तो ये क्या नॉर्मल से थोड़ी बेंड हो जाएगी दूर हट जाएगी। अब हमारी क्या ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है इस लेयर पे इंसिडेंट होगी, तो इसके लिए इस लेयर के लिए क्या होगी इंसिडेंट रे, तो यहाँ से जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये और आप में क्या है नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ऐसे ही हमारे क्या इंसिडेंट एंगल आपका क्या इंक्रीज होता जाता है, और जैसे ही आपका इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री से वो सॉरी क्रिटिकल एंगल से आपका क्या है मैक्सिमम हुआ तो इस रे का क्या है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आई पर आती है। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें
तो यहाँ पे आपकी क्या एक इन्वर्टेड इमेज आपकी क्या है बन जाती है। तो ये आपका होता है मिराज, कैसे हमें दिखाई देता है। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोग्रेसिवली बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल टिल इट रीचेस पॉइंट बी वेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, यानी एट क्रिटिकल एंगल से आपका क्या है इंक्रीज हो जाएगा। एट दिस स्टेज द रे टोटली रिफ्लेक्टेड अपवर्ड एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट ए डैश गिविंग राइज टू एन इमेजनरी इमेज ओ ए डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ ए। नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल रिफ्लेक्शन प्रिज्म। ए प्रिज्म सो डिजाइंड दैट इट्स एंगल आर 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री इज सेड टू बी टोटल रिफ्लेक्शन प्रिज्म और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और राइट एंगल आइसोसेस प्रिज्म। डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री पे हमें क्या डेविएशन करना है। तो जो इंसिडेंट रे हैं उन इंसिडेंट रे को हम क्या है इसके हाइपोटेनस पे क्या है इंसिडेंट करेंगे। तो इंसिडेंट रे हैं आपकी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपकी, तो ये आपकी क्या रिफ्लेक्ट होती है, तो ये 90 डिग्री पे आपकी क्या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और यहाँ पे हमें क्या इन्वर्टेड इमेज हमें क्या मिल जाती है ए डैश बी डी। फिर आपका डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, तो डेविएशन हमें 180 डिग्री करना है। तो रे को हम क्या यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे जो आपकी क्या है अदर जो साइड है, ठीक है ना, जहाँ पे आपकी क्या है हाइपोटेनस को छोड़ करके जो अदर दो साइड है उन पे हम क्या इंसिडेंट करेंगे, किसी एक साइड पे हम क्या इंसिडेंट करेंगे। तो ये आपकी क्या इंसिडेंट रे है, तो यहाँ से इंसिडेंट होंगी, तो इंसिडेंट होके ये रिफ्लेक्ट होंगी। फिर इस यानी यहाँ पे आपका क्या है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा 90 डिग्री पर। फिर यहाँ पे इस सरफेस से हमारी क्या दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे ही यहाँ पे ये आपकी क्या सेम आपकी क्या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं 180 डिग्री पर। तो इन्वर्टेड हमें क्या इमेज मिल जाती है ए डैश बी डैश। नेक्स्ट है आपका डेविएशन थ्रू 0 डिग्री, तो डेविएशन थ्रू 0 डिग्री करने के लिए प्रिज्म को हम क्या इस टाइप में रखेंगे, ठीक है, ये एंगल आपके 45 डिग्री, ये 45 और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके इस सरफेस पे इंसिडेंट होंगे, फिर यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर हमारा क्या है ये आपकी क्या बाहर निकल जाएंगी इमर्ज हो जाए इमरजेंट रे हो जाएंगी। तो इस टाइप में इसका जो डेविएशन है वो आपका क्या हो गया 0 डिग्री, क्योंकि आपकी इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे हैं वो एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ ए प्रिज्म ओवर ए प्लेन मिरर। इमेज इज ब्राइट बाय टोटल रिफ्लेक्शन प्रिज्म इज ब्राइट एंड क्लियर एज कंपेयर टू प्लेन मिरर, यानी टोटल रिफ्लेक्शन जो प्रिज्म होता है उससे जो इमेज है वो हमारी ब्राइट बनती है कंपेयर टू प्लेन मिरर। द प्रिज्म सरफेस डू नॉट लॉस देयर शाइन बाय एक्सपोजर टू एयर और डैम्पनेस एज इट इज द केस ऑफ विद ए सिल्वर्ड मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉट गो आउट ऑफ अलाइनमेंट विद ईच अदर एज प्रिज्म आर रिजिड, बट द प्रिज्म्स आर कॉस्टलियर। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल फाइबर। इट इज इन एक्सट्रीमली थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज विच इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ ए मेटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारी क्या होती है ग्लास की हमारी क्या थिन ट्यूब होती है आपकी, जिसके ऊपर आपकी क्या है कोटेड होती है, ठीक है, यानी मान लो आपका ये ग्लास है तो ग्लास से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस पर क्या है कोटिंग होती है, उस कोटिंग को हम क्या बोल देते हैं क्लेडिंग।
इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल TIR, ए लाइट रे ट्रेवलिंग विद इन द फाइबर इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड ईच टाइम इट स्ट्राइक्स टू सरफेस बिटवीन द कोर एंड द क्लेडिंग सो लॉन्ग इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल फॉर द कोर क्लेडिंग ए बंडल ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड ए लाइट पाइप Applications of optical fiber in endoscopy to examine the part of human body in orthoscopic surgery in laser angioplasty used for transmission and reception of electrical signal for telecommunication used for computer networking ये इसके uses हो जाएंगे और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है आपकी क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर आपकी क्या है वर्क करती है। तो यहाँ पे आपकी क्या है ये आपकी कोई लाइट रे आपकी क्या इंसिडेंट हो रही है तो इसका इसके अंदर क्या है इसका कंटिन्यूसली क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और हमारी क्या है ये आपकी क्या है वन एंड टू अनदर एंड हमें क्या मिल जाती है। इसका मेनली जो हम अधिक से अधिक जो यूज करते हैं वो हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं और डेटा ट्रांसफ़र करने पर इसमें जो स्पीड आती है वो आपकी क्या है बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है हाई स्पीड में हम क्या डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द कोएक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल।